नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल शर्मा। संसद में उद्योगपतियों की एक कतार लग गई है, देखते हैं इस पर हमारे यह खास पेशकश। देश के दिग्गज उद्योगपति सामाजिक मुद्दों पर पैनी नजर, अर्थशास्त्र और कानून की ठोस समझ, राहुल बजाज को किस क्षेत्र का महारथी बताया जाए। वैसे राहुल बजाज बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि ठेठ राजनीति वो टॉप स्पीड में करें। I'll be very pleasantly surprised because मैं तो I call a spade, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आसानी से मेरे को ऐसी पोजीशन नहीं देगी, पर देगी तो हम आएंगे, क्योंकि जब नॉमिनेट होते हैं तो यू आर ग्रेटफुल टू दैट पार्टी। आज से करीब 1.5 साल पहले आज तक को दिए इसी खास इंटरव्यू में राहुल बजाज ने संसद में कदम रखने के अपने मंसूबों का इजहार किया था। दोनों बेटों राजीव और संजीव को कारोबार की बागडोर सौंपने के बाद राहुल का अपने स्कूटर को संसद की तरफ मोड़ने का सपना पूरा हो गया है। तो मैं सबको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, इंडियन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, पर टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा 4 साल में, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बात हो सकती है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करने वाले राहुल बजाज ने बजाज ऑटो की कमान 1963 संभाली और स्कूटर पर ऐसे सवार हुए कि स्कूटर किंग बन बैठे। हालांकि बुलंदियों तक का सफर कामयाबी से पूरा करने वाले राहुल बजाज के सामने कई बार परेशानियां भी आईं, जैसे उनके स्कूटर साम्राज्य को मोटरसाइकिल कंपनियों से मिली कड़ी चुनौती, लेकिन हर बार आड़े वक्त में इन मुश्किलों से निकालने वाले भी साथ मिले। चाहे वो बदलते जमाने के साथ बजाज ऑटो को बदलने का फैसला लेने वाला उनका बड़ा बेटा राजीव हो, या हमारा बजाज बेचने के लिए हॉलीवुड कलाकार जैकी चैन को उतारने का फैसला, या फिर हैरी पॉटर का सहारा। मशहूर उद्योगपति जमनालाल बजाज के पोते राहुल के तेवर हमेशा आक्रामक रहे। उद्योग से जुड़े नियमों और बंदिशों के खिलाफ उन्होंने सरकार से भी दो दो हाथ करने में संकोच नहीं किया। आमतौर पर चुप रहने वाले उद्योगपतियों के मुकाबले राहुल बजाज सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों पर भी खुलकर बोलते रहे हैं। इसमें इंपेशियंस होकर कुछ नहीं होगा। एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। और आई एम टोल्ड इज ये तो 10 साल के बाद इसका तो जवाब आएगा। तो पिछले 50 साल आपने क्यों नहीं किया? फिर हमारे यहाँ तो रिजर्वेशन नहीं था ना, क्यों नहीं किया आपने? अब आप क्या बोलते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आपके पास, तो हमको मार रहे हैं, पर हमको मतलब देश को मार रहे हैं। राहुल ने महज 30 साल की उम्र में बजाज ऑटो की कमान संभाली और चंद सालों में बजाज चेतक को घर घर के लिए हमारा बजाज बना दिया। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र और हार्वर्ड से डिग्री ने राहुल की सोच को वो मजबूत नींव दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। देश में उद्योग को बढ़ावा देने और कामयाबी की बुलंदियां हासिल करने वाले राहुल बजाज को 2002 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल बजाज की संसद में दस्तक उद्योग जगत के लिए एक और बुलंद आवाज का काम तो करेगी ही, वहीं समाज से जुड़े मुद्दों को भी एक बड़ा पैरोकार मिलेगा। मुंबई में संजय देशपांडे के साथ सोनिया सिंह, दिल्ली आज तक। राहुल बजाज के संसद में पहुंचने से उद्योग जगत भी काफी खुश नजर आ रहा है। उद्योग जगत के नुमाइंदों का कहना है कि बजाज जैसे लोगों के संसद में पहुंचने पर ही राजनेताओं में उद्योग की समझ बढ़ेगी। उद्योग जगत का राजनीति से रिश्ता तो काफी पुराना है, लेकिन उद्योगपतियों का संसद तक पहुंचना अभी भी उतना आम नहीं है। इसीलिए राहुल बजाज के राज्यसभा में पहुंचने से उद्योग जगत काफी खुश है। सच्चे हृदय से जो इंडस्ट्री के लिए बोलते हैं और सच्ची बातों को वो कभी कारपेट के नीचे नहीं डालते हैं, वो एक स्पष्ट वक्ता और इंडस्ट्री के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखने वाले आदमी हैं। साथ ही उद्योग जगत ये भी मानता है कि उद्योगपतियों के संसद में पहुंचने से नीति बनाने वालों और उद्योग जगत की सोच का अंतर कम होगा। सिर्फ गैप नहीं है, कई बार पॉलिसी मेकर्स एक तरफ से अपने आप सोच के IAS अफसर बैठ के पॉलिसी बना लेते हैं, जो जूता पहनता उसको पता है जूता कहाँ चुभता है। अब तक संसद में कई उद्योगपति चुने जा चुके हैं, लेकिन उनका काम कुछ खास नजर में नहीं आया। उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि इस बार मंजर कुछ अलग होगा। मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। संसद में जाने के लिए उद्योगपतियों की कतार लग गई है। हर बड़ा नाम संसद में एक न एक बार जा चुका है, लेकिन इन लोगों ने संसद में उनकी क्या भागीदारी रही है, इस पर हम एक नजर डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।